हेलो फ्रेंड्स, दिस प्रोफेसर गौरव मेहता। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिर से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा अकाउंटिंग की टर्म्स, जो बेसिक टर्म्स है उसका सेकंड पार्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया है कि अकाउंटिंग के बेसिक्स जो रूल होते हैं, बेसिक रूल्स जो होते हैं, वो इसी टर्म्स में छुपे हुए हैं। तो एक बार आपकी ये टर्म्स 100% क्लियर हो गई, उसके बाद ही आप अकाउंट के स्टेप्स जो है वो चढ़ पाएंगे। तो ये जो है वो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म आपका बहुत ही सॉलिड बिल्डअप होना चाहिए, और वो सॉलिड बिल्डअप करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टर्म नाउ। Okay friends, so first term, as you can see here, the first term that we have is the asset. तो सबसे पहले तो बोलता हूँ मैं कि asset होता क्या है friends, asset का मतलब क्या है और asset किसको बोला जाता है। Okay friends, so assets are defined as the resources. Assets क्या है? Assets ऐसे resources हैं कि जो help करते हैं किस में, profit generate करने में। तो कोई भी ऐसी चीज़ है कि जो आपको profit generate करने में helpful होती है, ऐसे resources को बोला जाता है assets। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि resources जो है उसको underline किया गया है, तो resources जो है वो bold भी किया गया है, तो वो आपको लिखना ही लिखना है। जब भी asset की definition पूछी जाएगी, बहुत ही important definition भी है आज के lecture की, तो जब भी असेट की डेफिनेशन आपको पूछी जाती है तो आपको रिसोर्सेज ज़रूर लिखना है, बिकॉज असेट्स आर डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दैट हेल्प यू टू जनरेट द प्रॉफिट इन योर बिजनेस, एंड यू ऑल्सो हैव सम कंट्रोल ओवर योर असेट्स। तो अभी असेट्स कौन कौन से टाइप के हैं या किस किस बेसिस पे असेट्स को डिवाइड किया जाता है वो हम देखेंगे। फ्रेंड्स, मैं बहुत ही शॉर्ट वीडियोज़ बना रहा हूँ ताकि ऐसा हो कि आप ये छोटे छोटे वीडियोज़ से भी बहुत ही सारा कंटेंट इकट्ठा कर सके। तो चलिए देखते हैं कि असेट्स जो है वो दो टाइप्स के होते हैं। One is the current asset and second is the non-current asset. So friends, let's start with the first one. The first part that we are going to take is the current assets. So current assets जो हैं वो क्या होते हैं, ठीक है? So current assets are, you know, value of all the assets that can expect to be converted into cash within 1 year. तो करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं कि जिसको आप एक साल के अंदर अंदर भी कैश में कन्वर्ट कर सके, या ऐसा हो सकता है कि एक साल के पहले को कैश में कन्वर्ट कर सके, उसको बोलते हैं करंट एसेट्स। पहले तो हमने देख लिया कि एसेट्स क्या होता है। एसेट्स मतलब कि रिसोर्सेज कि जो आपको हेल्प करेंगे बिजनेस का प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। तो अभी फर्स्ट टाइप ऑफ एसेट जो है वो है करंट एसेट। तो करंट एसेट मतलब कि ऐसे एसेट्स हैं, ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जो आपको एक साल के अंदर अंदर ही वो प्रॉफिट दे देंगे, मतलब कि शॉर्ट टर्म में ही आपको प्रॉफिट दे देंगे। तो उसके एग्जांपल्स क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। जैसे कि कैश है आपके पास, तो कभी भी कैश आप ले सकते हो, यूज़ कर सकते हो, तो कैश जो है वो करंट एसेट बोला जा सकता है। उसके बाद एक कैश इक्विवेलेंट, तो जैसे कि गोल्ड हो गया, आपने गोल्ड का बिस्किट ले कर रखा है, तो उससे क्या होगा कि जब भी आप उसको बेचना चाहो तो बेच सकते हो और उसमें से कैश जनरेट कर सकते हो, तो वो होता है कैश इक्विवेलेंट। मतलब कि वो ऑलमोस्ट इक्वल टू कैश ही है, जब भी चाहो आप उसमें से कैश जनरेट कर सकते हो। और जो तीसरी चीज़ है यहाँ पे एग्जांपल दिया है वो है इन्वेंटरीज। तो इन्वेंटरीज क्या है कि जो भी आपके गोडाउन में चीज़ें पड़ी हैं, या तो वो प्रोडक्ट हैं आपके बनाए हुए, या कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपकी इन्वेंटरी में आपके पास पड़ी है, उसको आप एक साल के अंदर अंदर भी बेच के प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये जो है उसको बोला जाता है करंट एसेट। फ्रेंड्स, अकाउंट में जब भी करंट एसेट का टर्म आएगा तो उसका मतलब होगा कि एक साल के अंदर अंदर ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। तो लास्ट टाइम हमने एक डेफिनेशन देखी थी बिजनेस ट्रांजेक्शन की भी, तो इसी टाइप से ये करंट आपको देखना है। जब भी करंट एसेट बोला जाएगा तो उसका मतलब वो होगा कि एक साल के अंदर अंदर ही बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है? तो आप करंट वर्ड भी याद रखना है। आगे जाते हैं, वो है नॉन करंट एसेट्स। तो नॉन करंट एसेट्स क्या है? तो वो ऐसे एसेट्स है कि जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, इसको बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। कंपनी के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से नॉन करंट एसेट्स, उसका मतलब कि उनको कैश में कन्वर्ट किया नहीं जा सकता। मतलब कि ये ऐसे रिसोर्सेज हैं कि जिसको कैश में बहुत ही जल्दी से कन्वर्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्ट किया हुआ है, पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है? तो एग्जांपल जो इसका है वो है प्रॉपर्टी। जैसे कि आपने बिल्डिंग ले ली अपनी कंपनी के लिए, तो वो बिल्डिंग आपने परचेस किया है जैसे कि 2 या 3 करोड़ रुपये में, तो ये जो है उसको आप सेल करके कहीं और जाने वाले नहीं हो। तो बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड ऐसा एक कंसेप्ट है, ये है नॉन करंट एसेट्स। तो प्लांट है, मशीनरी है, कोई भी इक्विपमेंट्स है, ये सारी चीज़ ऐसी है कि जो नॉन करंट एसेट में होती है। उसका मतलब कि इन एसेट्स को जल्दी से सेल नहीं कर सकते और इन एसेट्स में से जल्दी कैश जनरेट हम नहीं कर सकते। तो ये जो होते हैं वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फ्रेंड्स। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड बोथ द थिंग्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। फ्रेंड्स, अभी देखते हैं एसेट्स का एक और पार्ट।
तो असेट्स जो है उसकी कैटेगरी दो और तरह से की जा सकती है, तो एक जो है वो है टेंजिबल एसेट्स और दूसरे जो हैं वो है नॉन टेंजिबल एसेट्स। तो एसेट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे सेम ही दी है। तो एसेट का कैटेगराइजेशन है वो दो अलग अलग कैटेगराइजेशन है, एक है वो है टेंजिबल एसेट्स और दूसरे जो हैं वो है इनटेंजिबल एसेट। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखते हैं कि टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं। फ्रेंड्स टेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं कि जो फिज़िकल एसेट्स हैं या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी है विच इज़ ओन्ड बाई द कंपनी। तो कंपनी ने परचेस की हुई है ऐसी फिजिकल एसेट है या फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे टेंजिबल एसेट, कि जिसको टच किया जा सके। सिंपल लैंग्वेज में वी कैन से कि जिसको फिजिकली टच किया जा सके। सो दीज आर द फिजिकल एसेट्स। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, कोई मशीनरी हो गई, तो इक्विपमेंट कोई हो गया, तो ऐसी सारी चीज़ें जो है वो आ जाएगी टेंजिबल एसेट का पार्ट। ठीक है, सो टेंजिबल एसेट्स आर द मेन टाइप ऑफ एसेट्स दैट द कंपनी आर यूजिंग टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट एंड सर्विस। मतलब कि कंपनी अपने प्रोडक्ट और सर्विस बनाती है उसके लिए जो भी एसेट्स यूज़ करती है उनको बोला जाता है टेंजिबल एसेट। उसका मतलब कि कोई भी मशीन हो गया जिसमें से प्रोडक्ट नई बन रही है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल ले लो, कार का एग्जांपल ले लो, कार के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसमें जो भी मशीन्स यूज़ हो रहे हैं वो सारे मशीन कौन से एसेट्स हैं, टेंजिबल एसेट, क्योंकि उनको टच किया जा सकता है। चलिए फ्रेंड्स अभी नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट टर्म है, हमारी नेक्स्ट पार्ट है वो है इनटेंजिबल एसेट। तो फ्रेंड्स इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, है ना, आप यहाँ पे देख सकते हो कि अमूल का आइसक्रीम दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो वो एग्जांपल क्यों दिया है मैंने वो भी आपको बताता हूँ। तो इनटेंजिबल एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं कि जिनको फिजिकली आप टच नहीं कर सकते हो बट फिर भी वो मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करते हैं। दे आर ऑल्सो जनरेटिंग द मॉनेटरी वैल्यू फॉर योर कंपनी ऑल्दो यू कैन नॉट टच देम फिजिकली। फिजिकली आप टच नहीं कर सकते लेकिन फिर भी वो रिसोर्सेज है, फिर भी वो असेट्स है आपकी कंपनी के लिए। फ्रेंड्स आप लोगों ने मार्क किया होगा कि मैं रिपीटेडली रिसोर्सेज जो वर्ड है उसका यूज़ कर रहा हूँ। तो एसेट की डेफिनेशन में है कि एसेट्स आर द रिसोर्सेज दैट हेल्प यू टू जनरेट द प्रॉफिट। तो रिसोर्स तो आपको खास ध्यान में रखना है, एसेट्स मतलब कि सिंपली रिसोर्सेज। तो यहाँ पे ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है कि जिसको टच नहीं किया जा सकता फिर भी वो प्रॉफिट जनरेट करने में हेल्प करती है। तो ऐसी जो चीज़ है वो है इनटेंजिबल एसेट। उसके एग्जांपल है कि पेटेंट्स। तो पेटेंट्स क्या होती है, कई बार कहीं मेडिसिन की कंपनीज जो हैं वो लाइसेंस ले लेती है कि कुछ टाइप की मेडिसिन सिर्फ वही बना सकते हैं और कोई नहीं मैन्युफैक्चर कर सकता, तो उसको बोला जाता है पेटेंट। उसके बाद ब्रांड है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है ब्रांड नेम, तो अमूल जो है वो एक ब्रांड है, अमूल का लोगो जो है वो स्पेसिफिक है, तो ये ब्रांड नेम, ये लोगो जितना भी है वो सिर्फ अमूल ही यूज़ कर सकता है। और जब भी आप अमूल देखोगे तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली उसके प्रोडक्ट आने लगेंगे, तो वो उसकी ब्रांड वैल्यू है। तो जो ब्रांड नेम है अमूल का वो उसका इनटेंजिबल एसेट है क्योंकि उसका बहुत बड़ा नाम है, तो अमूल को देखते ही लोग प्रोडक्ट परचेस कर लेते हैं। दैट इज़ वाई द ब्रांड नेम ऑफ अमूल इज़ द इनटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी। ऐसे ही कॉपीराइट्स भी होते हैं कि जैसे आपके पास ही कुछ राइट है कुछ चीज़ें बेचने का या कुछ चीज़ें परचेस करने का राइट सिर्फ आपके पास ही है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कई बार आप मोबाइल फ़ोन परचेस करते हैं, जैसे कि आपने फ्लिपकार्ट में से कोई मोबाइल फ़ोन परचेस किया, तो कुछ मोबाइल फ़ोन की ब्रांड ऐसी है कि जो आप ऑनलाइन ही परचेस कर सकते हो, तो फ्लिपकार्ट है ऐसे राइट परचेस कर लेती है कि ये जो मोबाइल फ़ोन है पर्टिकुलरली वो सिर्फ हम ही बेच सकते हैं, दूसरे कोई भी पर्सन इंडिया में वो जो है ब्रांड नहीं बेचेंगे। जैसे कि लिनोवो है, तो लिनोवो के मोबाइल फ़ोन कई बार आपको फ्लिपकार्ट पे ही मिलते हैं और उसके सेल्स जो है वो पर्टिकुलर डेट पे शुरू होते हैं और थोड़ी ही देर में वो मोबाइल सेल भी हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉपीराइट। तो वो मोबाइल है वो इंडिया में फ्लिपकार्ट के अलावा कोई और नहीं बेच सकता, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, तो दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो द इनटेंजिबल एसेट ऑफ द कंपनी। सो फ्रेंड्स आई होप बाई एग्जाम्पल यू हैव अंडरस्टूड द इनटेंजिबल एसेट ऑल्सो। सो दीज वेर द टू टाइप ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज फिक्टिशियस एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, सो जैसे कि आपने देखा कि हमने चार टाइप के एसेट किए इन टोटल। वन वॉज करंट एसेट, वन वॉज नॉन करंट एसेट, वन वॉज टेंजिबल एसेट एंड वन वॉज इनटेंजिबल एसेट। सो आफ्टर दैट एट द एंड वी आर कमिंग टू द फिक्टिशियस एसेट्स। ओके फ्रेंड्स, तो फिक्टिशियस एसेट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स बहुत ही कन्फ्यूज करने वाला ये क्वेश्चन है और ये टर्म है, और इसीलिए कई बार एग्जामिनर्स जो है वो पेपर सेट करते हैं, उनकी ये फेवरेट टर्म है पूछने के लिए। तो फिक्टिशियस एसेट्स जो है उसका नाम है फिक्टिशियस। अभी फिक्टिशियस का बेसिक मतलब क्या होता है, फिक्टिशियस मीन्स फेक या फिर नॉन रियल उसको बोल सकते हो ऐसा एसेट। अभी आपको लगेगा कि ये फेक है या नॉन रियल है तो उसको एसेट कैसे बोला जा सकता है, या जो नॉन रियल है या फेक है उसको
रिसोर्सेज कैसे बोला जा सकता है, तो उसको रिसोर्सेज बोला जा सकता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंसेप्ट है, लेकिन जैसे ही मैं आपको ये क्वेश्चन एक या दो मिनट एक्सप्लेन करूंगा, इट विल बी रेडी इन योर माइंड फॉर एवर। आप कभी भी भूलोगे ही नहीं कि फिक्टिशियस एसेट क्या है, या कोई भी कंफ्यूजन आपको नहीं होगा जब भी आप यहाँ पे दो मिनट दे के ये कंसेप्ट समझ लोगे। तो फिक्टिशियस एसेट ऐसा एसेट है कि जो कि फेक है या नॉन रियल एसेट है, ठीक है। तो कई बार इसको एक्सपेंस या लॉस भी बोला जाता है, विच इज़ कमिंग इन द बिजनेस फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड ऑफ अकाउंटिंग। मतलब कि कुछ अकाउंटिंग पीरियड के लिए उसको लॉस या एक्सपेंस बोला जाता है, और ये जो एक्सपेंस है वो एक से ज़्यादा साल के लिए भी हो सकता है। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने आपको डेफिनेशन बता दी। अभी आप बोलेंगे कि कुछ समझ में नहीं आया, मैं बताता हूँ आपको कि क्या है या एक्चुअली। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये फेक या नॉन रियल असेट है हमारे। फॉर एग्जाम्पल, रणबीर सिंह को मैं एडवर्टाइजमेंट के लिए हायर करता हूँ, मैं उसको लक्ष्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाता हूँ सपोज, तो इन दैट केस क्या होगा कि जब भी रणबीर सिंह को मैं पेमेंट करूँगा, तो उसको पेमेंट मैं यही करंट ईयर में करने वाला हूँ। दैट मीन्स कि उसको मैंने पेमेंट इसी साल कर दिया है, लेकिन ऑन द अदर साइड क्या हो जाएगा कि मैंने उसको पेमेंट इसी साल किया है, लेकिन रणबीर सिंह का नाम देख के मेरे ट्यूशन क्लास में जो भी स्टूडेंट आएंगे वो इस साल भी आएंगे, वो शायद अगले साल भी आएंगे, उसके अगले साल भी आएंगे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये मेरा एक्सपेंस है, लेकिन ये एक टाइम का एक्सपेंस है मेरा। बट जैसे ही वो ईयर्स एंड ईयर्स जाएंगे, जैसे ही ये साल आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा, इन दैट सिचुएशन मुझे उनमें से रेवेन्यू मिलता रहेगा, मतलब मुझे उनमें से प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो इस अकाउंटिंग ईयर के लिए क्या हो गया, ये मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। तो इसी तरह से अगर मैंने कोई पर्सन को हायर किया है, मेरा ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो मेरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया वो इसी साल का हो गया। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि ये एक्सपेंस जो है वो तीन या चार साल या पाँच साल में डिवाइड भी हो सके। तो एक तरह से देखें तो ये जो है फिक्टिशियस एसेट वो मेरा एसेट है, क्योंकि कोई पर्सन मेरा ब्रांड एम्बेसडर है और वही मेरी कंपनी जो है उसकी ब्रांडिंग कर रहा है। ऑन द अदर साइड मेरा एक्सपेंस भी है। एक्सपेंस क्यों है, क्योंकि मुझको उसको पेमेंट भी करना है। तो इसको बोला जाता है फिक्टिशियस एसेट। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और फिक्टिशियस एसेट का कॉन्सेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स कि सॉफ्टवेयर जो है वो हमने एक बनाया हुआ है। तो स्पेशली स्टैंडर्ड 10th 11th और 12th के लिए हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है कि जिससे आपके एमसीक्यू क्वेश्चन, ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स और वनलाइनर क्वेश्चंस ऐसे प्रिपेयर हो जाएंगे कि सॉफ्टवेयर ही आपको प्रिपेयर करवाएगा। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ वो सॉफ्टवेयर स्टार्ट करना है। जैसे ही सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली टेस्ट स्टार्ट हो जाएगी, और जैसे ही आपकी टेस्ट खत्म होती है, ऑटोमेटिकली आपको वो क्वेश्चन जो वो मेमोराइज हो जाएंगे और वो रिपीट भी हम करते रहेंगे। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर हमने बनाया हुआ है जिससे हमारे स्टूडेंट जो है वो बहुत ही ईजिली सारी चीज़ें जो है वो ग्रास्प कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो में। तो हमने एक पार्ट देख लिया, वो जो था अकाउंटिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट जिसको बोला जाता है एसेट्स। अभी हम देखेंगे कि लायबिलिटी क्या है। तो असेट एंड लायबिलिटी दो चीज़ हैं, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट है। तो हमने देखा कि एसेट्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, अभी हम देखेंगे लायबिलिटी। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको एसेट ईजिली समझ में आ गया है, लायबिलिटी भी करीब करीब ऐसा ही कॉन्सेप्ट है और बहुत ही ईजिली आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हमारा लेक्चर आगे बढ़ेगा। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है पूछी जाती है अकाउंटिंग में रिपीटेडली वो कौन सी है। तो एंड तक वीडियो देखिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लायबिलिटी क्या है। जैसे मैंने आपको बोला था कि अकाउंटिंग जो है उसमें एसेट्स आते हैं, तो असेट्स का मतलब होता है रिसोर्सेज। जब भी एसेट आप डेफिनेशन लिखेंगे तो एसेट में लिखना है आपको रिसोर्सेज दैट हेल्प यू टू जनरेट द प्रॉफिट। ऐसे ही लायबिलिटी क्या है, लायबिलिटी मतलब कि ओब्लिगेशन। लायबिलिटी मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये या तो हमारा ओब्लिगेशन है या तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कि कुछ ऐसी चीज़ है कि जिसको हमको फ्यूचर में पे करना है, या कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं कि जिसका हमको पेमेंट करना है या जिसको हमको वापस करना है हमारे बिजनेस में से, ठीक है ना। बेस्ट एग्जांपल लायबिलिटी का है वो है लोन। तो लोन हम जब भी लेते हैं तो क्या होता है कि हमको लोन जो है वो वापस देनी होती है, तो उसको भी बोला जाता है लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। तो चलिए जाते हैं डेफिनेशन में। सो लायबिलिटी इज एन ओब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट बिजनेस इवेंट। तो पास्ट बिजनेस इवेंट जो है उसमें से एक ओब्लिगेशन निकलता है, वो है लायबिलिटी, ठीक है। तो लायबिलिटी इज डिफाइंड एज द ओब्लिगेशन दैट द बिजनेस नीड्स टू फुलफिल। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने एक इमेज यहाँ पे बनाई हुई है।
तो ये इमेज में आप देख सकते हो कि बैंक में से पैसा मिल रहा है और जो पर्सन है अपनी फैक्ट्री बना रहा है, तो बैंक का पैसा है उसी में से पर्सन ने अपनी फैक्ट्री बना रहा है। दैट मीन्स कि ये जो है उसकी लायबिलिटी है, क्योंकि उसने जो भी पैसा बैंक से लिया है वो उसका ऑब्लिगेशन है, वो पैसा उसको वापस लौटाना भी है बिजनेस में से अर्निंग करके। तो उसका मतलब कि ये लायबिलिटी जो है उसको वो फुलफिल करनी है, तो वो है उसका ऑब्लिगेशन। तो फ्रेंड्स इसको बोलते हैं लायबिलिटी। ये बेसिक कंसेप्ट है अकाउंटिंग का ही। चलिए जाते हैं कि लायबिलिटी के कौन कौन से पार्ट है, कितने टाइप है और कैसे उसको हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो लायबिलिटी इज ऑफ टू टाइप्स फ्रेंड्स। तो दो टाइप की लायबिलिटी होती है, एक जो है वो है इंटरनल लायबिलिटी और दूसरी जो है वो है एक्सटर्नल लायबिलिटी, जैसे कि आप यहाँ पे दोनों देख सकते हैं। तो इंटरनल लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। तो मैंने बहुत ही एक सिंपल लाइन में या सिंपल लैंग्वेज में आपको यहाँ पे लिख के दे दिया है कि लायबिलिटी जो है इंटरनल, उसका मतलब क्या होगा, लायबिलिटी टुवर्ड्स ओनर्स। तो ओनर्स के तरफ जो भी लायबिलिटी है वो है इंटरनल लायबिलिटी। जैसे कि मेरे साथ दो या तीन पार्टनर्स हैं मेरे बिजनेस में, तो मैंने एक पार्टनर से लोन लिया है या कोई पार्टनर से कुछ पैसे उधार लिया है, तो अपने बिजनेस में लगाने के लिए मैंने पैसे उधार लिया है उससे, तो वो मेरी लायबिलिटी हो गई। लेकिन वो पैसा मुझे किसको देना है, मेरे पार्टनर को ही देना है, मतलब कि ओनर को ही देना है। दैट मीन्स कि ये हो गई मेरी इंटरनल लायबिलिटी। ऐसे ही एक्सटर्नल लायबिलिटी क्या है कि लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्टी, जैसे कि मैं बाहर के कोई पर्सन जो है उससे लोन ले रहा हूँ या उससे कोई भी पैसा ले रहा हूँ या उससे कोई भी मशीनरी ले रहा हूँ, तो इन दैट केस क्या होगा कि उसको मुझे वापस पैसे देने हैं, उसका मतलब कि वो मेरी लायबिलिटी हो गई, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, या आप बोल सकते हैं कि वो मेरा ऑब्लिगेशन हो गया। तो देर आर टू टाइप ऑफ लायबिलिटीज एज आई सेड, वन इज़ इंटरनल लायबिलिटी एंड वन इज़ एक्सटर्नल लायबिलिटी। इंटरनल लायबिलिटी ऐसी है कि जो है लायबिलिटी टुवर्ड्स द ओनर्स या पार्टनर्स आप बोल सकते हो इन वन वे, एंड एक्सटर्नल लायबिलिटी है वो है लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, उसका मतलब कि बाहर की कोई पार्टी है उसके लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ऑब्लिगेशन है, वो है लायबिलिटी टुवर्ड्स द थर्ड पार्टी, दैट मीन्स द एक्सटर्नल लायबिलिटी। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वन इज द करंट लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के फिर से दो पार्ट है, वन इज करंट लायबिलिटी एंड वन इज नॉन करंट लायबिलिटी। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, फिर से रिपीट कर देता हूँ, जब भी करंट वर्ड यूज आता है अकाउंटिंग में, जब भी करंट वर्ड बोला जाता है, तो वो क्यों होता है, एनी एक्टिविटी विच इज़ टू बी कम्प्लीटेड विद इन वन ईयर उसको बोला जाता है करंट। तो अकाउंटिंग की लैंग्वेज ऐसी है कि जब भी करंट एसेट बोला, तो करंट एसेट मतलब कि ऐसा एसेट कि जिसको हम एनकैश कर सकते हैं, जिसमें से कैश जनरेट कर सकते हैं विद इन वन ईयर। ऐसे ही करंट लायबिलिटी मतलब कि ऐसी लायबिलिटी है, ऐसा ऑब्लिगेशन है या ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको हम विद इन वन ईयर ही फुलफिल कर सकते हैं या विद इन वन ईयर ही उसको पेमेंट हम कर सकते हैं, तो इसको बोला जाता है करंट लायबिलिटी। डेफिनेशन भी देख लेते हैं। सो दे आर कंपनीज शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। ये कैसे ऑब्लिगेशन है, कैसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन दैट आर ड्यू विद इन वन ईयर, विद इन वन ईयर इसको पेमेंट करना है या विद इन वन अकाउंटिंग साइकिल जो है उसको हम पेमेंट करेंगे, तो इसको बोला जाएगा करंट लायबिलिटी। फ्रेंड्स जो सेकंड पार्ट है वो है नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखते हैं कि नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी में क्या डिफरेंस है। जैसे कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में डिफरेंस था, वही डिफरेंस सेम यहाँ पे है हमारे पास करंट लायबिलिटी एंड नॉन करंट लायबिलिटी में। तो नॉन करंट लायबिलिटी जो है वो ऐसी लायबिलिटी है, ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिसको फुलफिल करने में या जिसका ऑब्लिगेशन फिनिश करने में हमको ज़्यादा टाइम लगेगा, मतलब कि एक साल से ज़्यादा का टाइम लगेगा, लॉन्ग टर्म ये ऑब्लिगेशन हमारा होगा, तो उसको बोला जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी। जैसे कि यहाँ दिया है लॉन्ग टर्म लायबिलिटी या लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। जैसे कि आपने एक लोन ले ली है किसी बैंक से 25 करोड़ रुपए की, और वो लोन जो है आप पेमेंट करने वाले हो नेक्स्ट 15 इयर्स में, तो अगले 15 सालों के अंदर आप वो लोन पेमेंट करने वाले हो 25 करोड़ रुपए की, तो वो हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटी। क्योंकि वो ऑब्लिगेशन तो है, मतलब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, उसका पैसा तो चुकाना ही है हमको, लेकिन वो कब चुकाएंगे, हम उसको कब वापस करेंगे, वो हम वापस करेंगे उसको एट द एंड ऑफ 15 ईयर्स, तो एक साल में नहीं करेंगे, ऐसी चीज़ हो गई हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज़। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में हमने एसेट्स और लायबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको दिखाए हैं, और इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है
वो है फिक्टिशियस एसेट। आई होप कि मैंने वो भी आपको ट्रिक से करवाया था, रणवीर सिंह का एग्जांपल देके करवाया आपको, तो वो समझ में आया होगा आपको। आई एम वेरी श्योर कि ये वीडियो आप फॉरवर्ड भी करेंगे दूसरों को और आप भी बहुत कुछ सीख पाएंगे इसमें से। और मैं ऐसे दो और वीडियो बनाने वाला हूँ ताकि आपका पूरा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाए, वीडियो से ही कंप्लीट हो जाए। और यूट्यूब में भी अवेलेबल रहेंगे ये वीडियो, तो जब चाहे आप रिवाइज कर सकते हो इस वीडियो को। सो थैंक यू अगेन फॉर कमिंग इन लक्ष्य एंड सीइंग द वीडियो। પર વાઈ બનો તને કે આ હા આ બંધ લે મને નથી આવ્યો પણ ઓલો રેડ ડોટ આવ્યો એક જગ્યાએ એક જ જગ્યાએ ને હા ઈ મને એમ છે તું